ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन नुमाइश में 2024 की नुमाइश में ग्लोबल कल्चरल फेस्टिवल के तहत आज आखिरी प्रोग्राम था टॉलीवुड की मशहूर गायिका अदाकारा फनकारा श्रीमती सुनीता यहाँ पर एक शानदार अभी कॉन्सर्ट देकर गई हैं। वही प्रोग्राम में हमने लेजेंडरी फिल्म एक्ट्रेस श्रीमती जयसुधा को फेलिसिटेशन भी दिया, उनको फेलिसिटेट किया उनके 50 साल से ज़्यादा खिदमात के लिए फिल्म इंडस्ट्री के, और बहुत ही स्पेशल डे था यहाँ पर। और हम तमाम यहाँ पर इतने लोग जमा थे, इतने लोगों ने आज एंजॉय किया है कॉन्सर्ट। इस साल हमने 4 बड़े प्रोग्राम किए हैं ग्लोबल कल्चरल फेस्टिवल के। पिछले हफ्ते हमने जावेद अली साहब का प्रोग्राम किया था, शो किया था, और इस साल वॉइस ऑफ टॉलीवुड सुनीता जी का किया हमने। और एक बिल्कुल हंगामा था बाहर, और हम बहुत खुश हैं, बहुत ही कामयाब साल था ये, और हम शुक्रगुजार हैं आप सब के, मीडिया के, और हमारे तमाम ऑफिस बेयरर्स, मैनेजिंग कमेटी, तमाम मेंबर्स जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे ग्लोबल कल्चरल फेस्टिवल सब कमेटी के एडवाइज़र डॉक्टर प्रभा शंकर, जिसका पैशन है जो यहाँ तक लेके आया है ग्लोबल कल्चरल फेस्टिवल को। तो हमारी कोशिश यही रही है पिछले चंद सालों में कि पिछले साल से इस साल और बेहतर किया जाए, अगले साल इस साल से और बेहतर किया जाए, तो हमारी यही कोशिश लगातार रही है। और डॉक साहब बेइंतहा बिज़ी रहते हैं दूसरे चीज़ों में, दूसरे सब कमिटीज़ में भी, लेकिन उनका क्योंकि जज्बा है, एक पैशन है आर्ट्स के लिए, म्यूज़िक के लिए, क्योंकि एग्जीबिशन सोसाइटी का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आर्ट को प्रमोट करना। एजुकेशन को तो हम करते ही करते हैं, हमारे 20 इंस्टीट्यूशंस हैं जो हम रन करते हैं, 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस में। तो आज बेहतरीन कामयाब शो था, ये भी बताना चाह रहा था। साहब, आपने जो ये बार जो सो बॉलीवुड के सिंगर्स को बुलाया और टिकट नहीं रखा, और पब्लिक और शहर हैदराबाद की आवाम को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, लोग जो यहाँ पर आते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो महंगे, बहुत महंगे कॉन्सर्ट्स अटेंड नहीं कर सकते, डिस्टेंस की वजह से नहीं कर सकते, या फिर जो है वो प्राइस और कॉस्ट ऐसी रहती है अफोर्डेबिलिटी की वजह से। हम वही 40 रुपये का जो टिकट लोग दे के आते हैं उसी में हम यहाँ पर लोगों को एंटरटेन करते हैं अच्छे से। वैसे तो हम कल्चरल प्रोग्राम्स करते हैं 70-75 हर साल करते हैं, हर जबान में, तेलुगू में हो, उर्दू में हो, हिंदी में हो, हर किस्म का करते हैं, लेकिन ये स्पेशल प्रीमियम कल्चरल प्रोग्राम्स जो हम ग्लोबल कल्चरल फेस्टिवल के तहत करते हैं, ये ऐसे ऐसे आर्टिस्ट आ रहे हैं जो दुनिया में भर में माने हुए आर्टिस्ट हैं, इंटरनेशनल लेवल के हैं। जावेद अली साहब जो है टॉप सिंगर में हैं, सुनीता मैडम के भी जो है तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री में और साउथ में टॉप लेवल है। और आपने देखा जो प्रोडक्शन वैल्यू है हमारे जो है कॉन्सर्ट्स की, पिछले 2 कॉन्सर्ट्स की, वो ऐसे लगेगा आपको कि ये कोई बहुत गच्चीबोली स्टेडियम में हो या वेम्बली स्टेडियम में हो इंग्लैंड में, वहाँ पर हो रहा है, इतनी ये प्रोडक्शन के लेवल के हम कर रहे हैं कॉन्सर्ट्स। तो हमारी कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छा काम हो, और हमारा पैशन भी है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की पब्लिक भी जो है देखे, नुमाइश आने वाली पब्लिक देखे, और नुमाइश सोसाइटी भी ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करे, विजिटर्स के जो आमतौर पे नहीं आते नुमाइश को, तो वो लोग भी ये आर्टिस्ट को देखने के लिए फिर नुमाइश आएंगे, फिर नुमाइश सोसाइटी का काम उनको मालूम होगा, फिर नुमाइश और आगे बढ़ेगी और इसका प्रेस्टीज और ऊंचा होगा। शुक्रिया। पब्लिक जो है सो झूले और मौत के कुएं को फेमस बोल के माना जाता था और आते थे, मगर आज पब्लिक जो नुमाइश को आ रही है, अरे यहाँ पे बॉलीवुड और टॉलीवुड के सिंगर्स को बुलाया जा रहा है बोल के पब्लिक आ रही है, आपका क्या कहना है? अभी हमको 4-5 साल के नीचे यहाँ पर एग्जीबिशन आ रहा है बोले तो 1 जनवरी से 15 फरवरी को तक, तो लोग यहाँ के अपने सिटी के लोग जो भी है वो लोग एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग ओनली अम्यूज़मेंट फैसिलिटी देते थे, और थोड़ा बहुत कल्चरल एक्टिविटीज़ करते थे उर्दू में, हिंदी में और तेलुगु में। मगर लास्ट 2019 से हम लोग को थोड़ा चेंज किया है कि हम इसको आगे ले जाना है, तो उसके लिए ग्लोबल कल्चरल फेस्टिवल बोल के हमारा सोसाइटी ने स्टार्ट किया है, और वो उसके अंडर मुझे एडवाइज़र बनाया और मुकेर हैदर को कन्वेनर बनाया है। हम लोग भी
कल्चरल एक्टिविटीज़ में क्वाइट इंटरेस्टेड है, इनिशिएटिव भी लेते हैं, तो उसके लिए कुछ करना है। ये एग्जीबिशन जो हैदराबाद का लिमिट में है आता है, और हैदराबाद से लेकर ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड करना है, नुमाइश बोले तो क्या है, और ग्लोबली ऑल्सो फेमस करना है, उसके लिए क्या करना बोल के हम सोचे, तो फिर डिसाइड करें कि अच्छे अच्छे फनकार लोगों को, फेमस आर्टिस्ट लोगों को, जैसे बॉलीवुड से है और जो अपने टॉलीवुड से हैं, और फ्यूचर में हॉलीवुड से भी हम लोग इनवाइट कर सकते हैं, हमारा कैपेसिटी उतना है। और यही है कि चालीस रुपये में इतना बहुत एंटरटेनमेंट हम अपने पब्लिक को देना चाहते हैं, ताकि वो लोग घर जाते समय शॉपिंग ही नहीं, कुछ यादगार मेमोरीज ले जा सकते हैं यहाँ से। सर, अभी हैदराबाद सिंगिंग कर रहे थे, जावेद अली के प्रोग्राम में भी हैदराबाद सिंगिंग कर रहे थे, हम शूट के दौरान आके पब्लिक कह रही थी कि अरे ये भी एक सिंगर है क्या, हैदराबाद के ऊपर आपका क्या कहना है? हैदराबाद इज़ ए बॉर्न सिंगर और उनके पास टैलेंट बहुत है, उन्होंने एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। महेश बोल रहा हूँ कि एक्सप्लोर करो, और उन्होंने खाली वॉइस लेवल में उन लोग गाना मीन्स सॉन्ग गाते, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स गाते हैं बॉलीवुड के, और अभी तो आज विटनेस करें तेलुगु में भी गाए हैं, और ऐसा फनकार मैं हमारे मेंबरों में कोई नहीं है जितना मुख्य राइडर है। सब एग्जीबिशन में जो जी जान लगा के मेहनत करे, जैसा कि पुलिस है, जैसा कि सोसाइटी के लोग हैं, कई किस्म के लोग, उनको आप क्या करना चाहेंगे? नहीं, हम लोग मिलजुल के काम करते हैं, जो भी मेंबर्स है, हम लोग 230 है, उसमें ज़्यादातर तो ओल्ड है, अबाउट 70s है, और थोड़े अब्रॉड रहते हैं, तो जो भी लेफ्ट आउट है हमारे मेंबर्स, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, और ये परंपरा चल रहा है 83 ईयर्स से, वो चलते रहेगा, कि हम एग्जीबिशन में हमारे को लगाव है, इमोशनल अटैचमेंट है एग्जीबिशन से, हम लोग जान गए तो भी इंटरेस्ट इस पर रहता बोल के। हम पब्लिक को यही कहना चाहते हैं कि आओ विजिट करो, एक बार नहीं 10 बार विजिट करो, और एन्जॉय द फेस्टिवल ऑफ नुमाइश, और स्पेशली ग्लोबल कल्चरल भी एन्जॉय करो, शॉपिंग करो, और एन्जॉय द फूड। अभी हम लोग ये साल नए नए टाइप्स ऑफ फूड भी इंट्रोड्यूस किया है, इससे पहले ऐसा नहीं रहता था, अभी अच्छे अच्छे हम लोग टैलेंट को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स है, यंग एंटरप्रेन्योर्स, उनको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि चलो उनके फील्ड में आप लोग आके प्रमोट करिए और मार्केट कीजिए आप उनके प्रोडक्ट्स के लिए। सब पब्लिक में ये वो ये बंडी पे लोग 50 रुपए देकर चाय तक पी रहे हैं लोग, ये एक वाहिद एंटरटेनमेंट की जगह है जहाँ 40 रुपए में आपको अंदर जा रहा है, यानी दुनिया में आप समझता हूँ पूरे हैदराबाद में शहर इकोनॉमिकली कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। और अगर कोई 10-15-20 रुपए बढ़ाया भी गया कभी, मैं नहीं समझता इससे कोई फर्क पड़ता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोग छोटे छोटे एग्जीबिशंस में जा रहे हैं, लोग 100-100 रुपए के टिकट देके, जहाँ पे कुछ भी नहीं है आपको हासिल, यहाँ पे तो हम सोरे, और सारा पैसा जो आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो आ रहा है 10-20 रुपए ज्यादा देके, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है? वही तो खिदमत में जा रहा है, सोसाइटी की, सोशल वर्क में जा रहा है। हम लोग 20 इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, पूरा पैसा बच्चों को पढ़ाने में हम लोग रख देते।